तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:05। अब बनाते हैं खाना, फिर लगाते हैं आरती। चढ़ा दिया चावल, इसमें डाल देता हूँ नमक। ये है बीन्स, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ये लहसुन, ये मिर्च। अब हमें लेके आना पड़ेगा मार्केट से आलू। अभी आलू खत्म हो गया है। इसका रीजन ये है कि मैं शाम को लेके नहीं आया और हम लोग थोड़ा सा ही लेके आते हैं, ताजा ताजा रहे और खराब भी ना हो। अभी लगाता हूँ गुरु जी की आरती फोन में, और आरती खत्म होने के बाद जाऊँगा फिर मार्केट और लेके आऊंगा जो भी है हरा सब्जी वो लेके आनी है। भक्तात्माओं से प्रार्थना है, पुनर्निवेदन है, सुबह के नित्य नियम का समय हो गया है, नित्य नियम स्थल पर आने की कृपा करें। चावल एकदम मस्त पक गया है। टाइम हो रहा है 10:24। अब जाता हूँ मार्केट और लेके आता हूँ सब्जी। अब चलते हैं मार्केट और लेके आते हैं सब्जी। आलू प्याज लेके आनी है बस, और सब तो है ही, और हरा सब्जी। आज मंडे है तो मार्केट भी लगा होगा यहाँ पे, तो बहुत भीड़ भी होगा, तो चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो गाइस आज रास्ते में मिल गया इडली, और ये भैया बेच रहे हैं इडली। कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से हैं? मैं इधर के। इधर का ही? इधर मतलब खाओ तमिलनाडु का है, रहते हैं इधर। इधर ही रहते हैं। प्रियंका को भी नहीं पता है कि इडली लेके आ रहा हूँ। इसमें चटनी थोड़ा सा ज़्यादा दे देना, ठीक है? किस चीज़ का चटनी होता है? चटनी नारियल का। नारियल का? ये सांभर की चटनी है। सो गाइस, सुबह सुबह ही इतना भीड़ लगा हुआ है। ये मच्छी है ना, इसको तो ऐसे ही सुबह ना आते ही लग रहा है उल्टी हो जाएगा, और ये इतना भीड़ लग चुका है सुबह सुबह ही। बहुत भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। तो आज मंडे है तो मार्केट में ना इतना भीड़ लगा हुआ है सुबह सुबह ही देख लो, और बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। मतलब इतना भीड़ लग रहा है, ऐसे लग रहा है मेला लगा हुआ है, उधर तक लगा हुआ है। और मच्छी तो इधर सूखी सूखी बहुत बेच रहे हैं, जो ऐसे लग रहा है उल्टी हो जाएगा। ये भैया पीठ पर ही इतना वजन उठा लिए। अरे बाप रे, हो गया 1 kg, इसमें ही डाल दीजिएगा। उसको 2 kg कर लो। कितने हो गए पैसा? ये वाला दिख रहा है आपको इस थैले में, ये देखिए कितना बड़ा थैला है। इसमें ना सारे मछलियों का ना जो ऊपर का होता है ना भाग, वो सब ऐसे किया हुआ है। बाप रे, कितनी मछलियों को भूंजा, मतलब सुखाया हुआ। बाप रे, और इधर इसमें भी सूखी हुई मछली, ये देखिए मछलियों का यहाँ पे बिक रहा है बहुत। अरे बाप रे, कितनी मछलियों को मार रखे होंगे। ओ भी, मैं हरा सब्जी भी ले लिया। ये देखिए यहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ ना, मैं जल्दी से जाता हूँ इसीलिए मैं मंडे को आता नहीं। ये देखो यहाँ पे कैसे मछलियों को बेचा जा रहा है, ये सूखी हुई मछली है, और मार्केट में बहुत भीड़ लग गया है। तो फिर अब चलते हैं घर पे। अभी मेन रास्ते पे किसी मुसलमान भाई का मतलब डेथ हो गया है, तो उसका जनाजा बोलते हैं, जनाजा जा रहा है, और हम लोग को रास्ते में ही रोक दिए क्योंकि रास्ते में दिक्कत ना हो। फिलहाल आ चुके हैं घर पे और सब्जी रख दिया, और बाबू ठीक कर रहा है, कर दो। ये हरा सब्जी ले गया, मेथी है, इसमें ही रख दो, इसमें ऐसे नहीं, इसमें नहीं, वो कह रहे ना इसमें मत रखो, ले आओ ले आओ, छोड़ दो इधर रखने के लिए। अब बनाते हैं सब्जी, देखते हैं ये क्या लिया। अरे ये मेरे मन में था सर। हाँ, मन में था क्या? मैंने इसलिए नहीं बताया। ये देखो आज मिल गया इडली है ना, इडली सांभर, और ये क्या है, ये नारियल चटनी। इसकी चेहरे पे खुशी आ गई प्रियंका की। ले, चारों खा जाएगी, मैं तो नहीं खाऊंगा। ये निकल चुका है यहाँ पे इडली और सांभर और ये नारियल की चटनी। सब्जी पक रहा है और मेरे को भूख भी लग गया है, ऐसे लग रहा है कब जल्दी बन जाए और मैं खाऊं। तो अभी 12 भी बज गया है, और देखो सब्जी तैयार होने में अभी लगभग 10 मिनट लगेंगे, और ऐसे लग रहा है अभी खाऊं। जब तक सब्जी बन रहा है जब तक कुछ काम कर लेता हूँ कंप्यूटर पे।
खाना बन के रेडी हो चुका है और मैं निकाल के भी ले आ दिया। ये सब्जी और ये देखिए नारियल का चटनी, इतना मस्त लग रहा है देखने में, खाने में कैसा लगेगा और तो खा के पता चलेगा। चावल फिलहाल अभी खाना खाते हैं। सो गाइस फिलहाल तो अभी मैं खाना खा लिया और पुराना वाला काउंटर मेरा मिल नहीं रहा है जो सुमरन करने वाला होता है, तो ये नया काउंटर अभी निकाले। कितना मस्त लग रहा है, नया नया एकदम से, आज तो नया नया मिल गया। अभी ऐसा है कि नीचे हमें जाना है और जो वॉचमैन है उनके मतलब गाड़ी भी नहीं है उनके पास, और उनका ना मतलब जो वाइफ है वो बीमार है तो हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, और इनको सेकेंड डोज भी लेना है। तो मैंने एक दिन लेके गया था, उस दिन तो दिया नहीं, उस दिन बंद था, तो आज सेकेंड डोज का इंजेक्शन है वैक्सीन का। तो अभी मैं जाता हूँ नीचे, वो मेरे को बुलाए थे कि आना, और मैं जाता हूँ और उनको ले जाके और जहाँ पे इंजेक्शन दे रहा है वहाँ पे सेकेंड डोज इंजेक्शन दिलवा के और फिर लेके आना है। तो फिलहाल चलते हैं नीचे। सुबह जाया और गेट बंद है, अब मैं देखता हूँ उनको कॉल करके कहाँ पे गए हैं। हाँ भाई, पापा कहाँ हैं आपके? घर पे नहीं है। नहीं है, पता नहीं फिर आप। कॉल उनका फ़ोन नंबर है क्या? हाँ है। कॉल करके बोलना ना कि मैं यहाँ पे हूँ, इंजेक्शन दिलवाना है ना तो जाने के लिए। कितने देर में? हाँ कॉल करके अभी बताना। मैं इनको ढूंढते ढूंढते ना फोन भी किया, यकीन को बोल रहा है अब आएगा। हाँ तो आप गए कहाँ थे, कब आए थे, कब आए इधर? तो वो बात सही है, लेकिन वो तो बोल रहे हैं यकीन की 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में। मैं कब, मेरे से बोल रहे हैं कि 5 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ, और पता है आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। तो मैं आधार कार्ड से करती हूँ। हाँ ये मोबाइल नंबर है, देखती हूँ मैं, अगर इससे होता है तो ठीक है। अभी इनका इंजेक्शन लग रहा है, अरे ये कैसे डर रहे हैं मास्क ही नहीं पहन के आए हैं। इनको लग रहा है ना कि पहली बार लगवाए थे तो कुछ भी नहीं हुआ था, इस बार बुखार भी लगेगा आपको, हो सकता है, कन्फर्म नहीं है कि लगेगा ही, नहीं भी लग सकता। बाबू रो रहा मोबाइल के लिए, ये देखो चॉकलेट मिला, चुप हो गया। अभी हम आ गए हैं इंजेक्शन दिला के, टॉफ़ी लेके आए बाबू के लिए, ये रो रहा है। नहाने जा रहा है क्या बाबू? लोगे चुप हो गया टॉफ़ी की वजह से। बाबू दे दो मेरे को, देना। अच्छा ये वाला रख दिया खुला हुआ, वो पैकेट वाला, लो खाओ, लो 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 लो। देखो ये टॉफ़ी लगा रखा है बाबू खेलने के लिए। अरे उस टॉफ़ी ले लूँ मैं, देना बाबू मेरे को, नहीं दे रहा है, मैं ही तो लाया था, दे दो एक, दे दो। अरे मैंने लाया, मेरे को ही नहीं देगा बेटा। अभी हम खाने वाले हैं एप्पल, साथ में ही हो रहा है ब्लॉग एडिट, वीडियो एडिट हो गया है, और मैं जा रहा हूँ मार्केट। जो भैया स्टूडियो वाले थे उनको, मेरे पास में एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है तो उनको दे के आना है। उनका पीसी है i3 और विंडोज 7 डाला हुआ है, और मेरा i9 है तो मेरा विंडोज 10 डाला हुआ है, तो उनको विंडोज 7 के लिए स्पेशल एक सॉफ्टवेयर है, तो फिर वो मेरे को दे के आना है, और वो मेरे को कब से मांग रहे थे, तो मैं अभी फ़िलहाल जाता हूँ और उनके पीसी में उनको मतलब इंस्टॉल करके आना है। तो चलते हैं अब उनके दुकान पे। और ये देखो यहाँ पे बैठे बैठे ना अपनी ब्लॉगिंग देखे जा रहा है कंप्यूटर पे, मेरे को बैठने नहीं दे रहा है, और यही बैठा है। देखो क्या बोला, क्या बाबू? अच्छा काम कर रहे हो बाबू, डिस्टर्ब ना करूँ। अरे बाप रे, ये देखो अपनी ब्लॉग देखे जा रहा है। बाबू थोड़ा सा काम है बाबू, करने दो, ये अपने से ही ना चेयर पे बैठ जाता है और ये वीडियो प्ले करता है और अपना ही ब्लॉग देखता है और किसी की वीडियो नहीं देखेगा। और एक इसको ऑटो वाला पसंद है वीडियो, बस ऑटो वाला ही वीडियो देखते रहता है। और देखो माउस कैसे चला रहा है, देखो उंगली ऐसे लग रहा है ना बड़े आदमी ना कोई माउस चला रहा है। देखो अतुल भैया मैं जाऊँ फिर? Yes, हो गया ना? हाँ वो भेजे हैं काम मेरे को, मैं कल करके देता हूँ, वो बोल रहे थे कि 2-3 दिन में करके दे देगा। मार्केट से दूध भी लेके आया, इधर फिर सब्जी बन रहा है, प्रियंका सब्जी बना रही है। और जो मैं गया था भैया को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, तो वो भी हो गया है, और मैं वहाँ से फिर मार्केट गया दूध लेके आया। ये माँ बेटे कंप्यूटर चला रहे हैं। बाबू
अपना ही ब्लॉग देख जा रहा है बेटा, देखो कैसे देख रहा है, ऐसे लग रहा है ना कितना ना? ऐसे लग रहा है कितना इंटेलिजेंट है और बैठा है चेयर में और माँ इधर सिखा रही है। बाबू यार मेरे को भी सिखा दो। देखो वीडियो देख रहा है, अपनी ब्लॉग वाला वीडियो देख रहा है बाबू। और बाबू और प्रियंका में दोनों जने कंप्यूटर चला रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।